हेलो गाइस। तो यार आज मैं एक जगह इंटरव्यू के लिए गया हुआ था, मुझे जॉब की नीड है तो मैं इंटरव्यू के लिए गया हुआ था। तो वहाँ मैंने देखा डोनाल्ड ट्रंप जी भी आए हुए हैं, तो मैंने बोला सर आप यहाँ पे, कह रहे हैं हाँ यार मुझे भी जॉब चाहिए। मैंने बोला सर किस प्रोफाइल के लिए चाहिए आपको? कहने लग गए यार मैं तो अभी कुछ भी कर लूँगा, फ़िलहाल अभी मुझे कुछ आता नहीं, इंग्लिश आती है बस मुझे, तो मैं अभी इंग्लिश कॉलिंग कर लेता हूँ। कहते नाइट शिफ्ट ये कर लूँगा और दिन में ई रिक्शा चला लूँगा। मैंने बोला अच्छा सर ऐसी बात हो गई, इतनी मजबूरी? कहने लग गए हाँ यार, कह रहे और मैंने अभी अपनी बीवी को भी सिलाई लाई सिखाना शुरू कर दिया, कह रहे और आंगनवाड़ी में अपने बच्चे डाल दूंगा। मैंने बोला सर वहाँ किस लिए? आपके बच्चे तो बड़े हो गए, वहाँ क्या करेंगे? कह रहे यार वहाँ कुछ नहीं, वहाँ पे बस जो मिड डे मील वगैरह है वो बना दिया करेंगे। मैंने बोला अच्छा सर इसलिए डाले आपने? कह रहे थे हाँ जी। कह रहे यार तुम भी बताओ मुझे कहीं जॉब वगैरह हो तो। मैंने बोला सर आप मुझे दे दीजिए अपनी CV या जो भी आप बोलते हैं रिज्यूमे वगैरह, मैं करता हूँ फॉरवर्ड कहीं। तो मैंने अपने यार जोमेटो वाले दोस्तों को और स्विगी वगैरह में भेज दिया है, और बाकी हल्दीराम में भी दे दूँगा नमकीन नमकीन पैक करने के लिए। तो यार अगर आपको भी कोई सी जॉब पता हो तो उन्हें बता दीजिएगा, उनकी मेल आईडी ले लीजिए आप भी, dolatrump@gmail.com। तो ये रही उनकी मेल आईडी। और यार हाँ मैंने उनसे बोला सर आप गवर्नमेंट जॉब वगैरह के लिए अप्लाई नहीं करे? कह रहे हैं हाँ भर्ती भर्ती भी मारूंगा। तो यार आर्मी वाली भर्ती नहीं कह रहे थे, वो कह रहे थे बैंक वगैरह की। मैंने बोला अच्छा सर। कह रहे एक्स सर्विस मैन का कोटा लग जाएगा मेरा। मैंने बोला ये तो और बढ़िया हो गया। तो यार ऐसी बात है। और बाकी मैंने बोला कि मोदी जी से बात हुई आपकी? कहते हाँ मैंने उन्हें भी CV दे दी है, अगर वो जॉब वगैरह होती है तो वो मुझे बता देंगे। मैंने बोला ओके सर। कह रहे मैंने बोला और ओबामा जी से बात नहीं हुई आपकी? कह रहे हाँ उनसे भी मैंने पूछा था कि जब आपके यहाँ से टाइम पूरा हो गया था तो आपने कैसे ज्वाइन किया, तो उन्होंने भी मुझे बताया, मैंने उनको भी CV दे दिया। और ये जो अभी और ऐसे बोल रहे थे जो अभी नया लड़का लगा है मेरी जगह, जो बाइडन वगैरह कुछ नाम है ना, कहते अभी ये जो लगा है तो इसको भी मैंने रिज्यूम दे दिया कि अपनी प्रीवियस कंपनी में दे दियो, तेरी पोस्ट तो खाली होगी। मैंने बोला ये सर आपने बहुत बढ़िया किया। तो यार ऐसी बात है, तो अब वो भी जॉब वगैरह की तलाश में। अगर आप लोगों को भी कहीं पता हो तो बताइएगा, मैंने जोमेटो वगैरह में तो दे ही दिया उनका, और धीरे धीरे उन्हें सेकंड हैंड स्प्लेंडर और दिलवा दूंगा डिलीवरी के लिए। तो यार जैसा भी पॉसिबल हो पाता है करिए आप। कह रहे हैं अब तो उन्हें चाइना से भी फ़ोन आने लग गए, कह रहे हैं अब बोल, पहले तो बहुत बोल रहा था। तो दोस्तों कोई नहीं, भारत पूरा साथ खड़ा है अमेरिका के, अभी भी वो कुछ भी नहीं है तो अब क्या हो गया, मगर हम लोग अभी भी उनके साथ खड़े हैं।